हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी और बुरी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 साल के लालजी टंडन का एक महीने भर से मेदांता अस्पताल में लखनऊ के इलाज चल रहा था। करीब 40 दिन से बीमार थे लालजी टंडन और उनके बेटे ने बकायदा ट्वीट करके ये जानकारी ट्विटर में दी कि बाबूजी नहीं रहे। इसके अलावा आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की वजह से पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में थे, वेंटिलेटर पर थे पूरी तरीके से। आपको बता दें 11 जून को उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल की तरफ से लगातार उनकी सेहत को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किए जा रहे थे, लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने आई है कि लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, पिछले साल 20 जुलाई 2019 को उनको मध्य प्रदेश का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे, कल्याण सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में मंत्री रहे, अर्बन डेवलपमेंट मंत्री के तौर पर, लोक निर्माण मंत्री के तौर पर उन्होंने काफ़ी नाम कमाया उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा 2009 में वे लखनऊ लोकसभा सीट से वाजपेयी जी की जगह पर सांसद भी चुने गए। हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा हैं। पंकज, लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया लालजी टंडन का। हाँ विकास, आज सवेरे करीब 5:30 बजे मेदांता अस्पताल जो लखनऊ में है वहाँ उनका निधन हो गया। इस बात की जानकारी उनके बेटे आशुतोष टंडन, जो खुद यूपी की योगी सरकार में मंत्री है, उन्होंने बताया, ट्वीट किया कि बाबूजी नहीं रहे। और विकास, जैसा हम सब जानते हैं लालजी टंडन के बारे में, अगर पिछले 25-30 साल की यूपी की राजनीति की बात करें तो कभी ऐसा पल नहीं आया जब लालजी टंडन का जिक्र नहीं हुआ। चाहे वो मंत्री रहे हों, विधान परिषद के सदस्य रहे हों, लखनऊ से लोकसभा के सांसद रहे हों, बाद में बिहार के गवर्नर हुए, मध्य प्रदेश के गवर्नर हुए, सब जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कितने करीबी रहे, खाने पीने के कितने शौकीन रहे लालजी टंडन। जब यूपी में बीजेपी और बीएसपी की मिलीजुली सरकार बनी तब लालजी टंडन का कितना बड़ा रोल था। मायावती उन्हें भाई मानती थी। जब दोनों ही पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके घर जाकर उन्हें राखी बांधती थी। लालजी टंडन खाने पीने के कितने शौकीन थे। लखनऊ में चाट की कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जहां लालजी टंडन नहीं जाते थे। हर साल कई बार ऐसे चाट उत्सव होते थे, चाट के उनके यहाँ पार्टी होती थी जहाँ सब जाया करते थे। लखनऊ से लालजी टंडन का ऐसा रिश्ता रहा है कि उस पर लंबी किताबें लिखी जा सकती है। बिल्कुल, और लखनऊ से रिश्ता, उत्तर प्रदेश से रिश्ते के अलावा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति पंकज, क्योंकि 12 साल की उम्र से संघ से जुड़े रहे लालजी टंडन, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद उन्होंने लखनऊ में एक तरह से उनकी विरासत संभाली, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति हमेशा स्थिर रखी, तब जब वो सरकार में थी, तब वो सरकार में नहीं थी तब भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपी में अगर आप बीजेपी को देखें, कई बार खेमेबाजी रही, नेता रहे, अलग अलग गुटों में रहे। लालजी टंडन एक अकेले ऐसे नेता थे जिनका कोई गुट नहीं था। वो चटनी की तरह से हर किसी के गुट में वो खप जाते थे, और जब भी कोई विवाद होता था लालजी टंडन वो व्यक्ति हुआ करते थे जब बीच में सुलह सफाई करवाते थे। और मैं बताऊं कि लखनऊ की कोई ऐसी गली नहीं होगी जो लालजी टंडन को ना पता हो। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता से लेकर के हर मुख्यमंत्री के दौर को उन्होंने, हर नेताओं से को समझा उन्होंने। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो बीजेपी के रिश्ते थे उसको भी सहेज कर संभाल कर रखते थे। लालजी टंडन एक अद्भुत कला थी उन्हें किसी को भी समझा लेने की, किसी को भी मना लेने की। जी पंकज, संघ के कार्यकर्ता से शुरू कीजिए, फिर पार्षद की भूमिका में देखिए, उन्हें सांसद की भूमिका में देखिए, राज्यपाल की भूमिका में देखिए, बहुत अहम रोल रहा उनका पूरी राजनीति में। यही आज के दौर में ऐसे नेता कम मिलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि लखनऊ से उन्होंने शुरुआत की, एक बहुत छोटी उम्र से उन्होंने संघ के कार्यकर्ता बने, संघ की शाखा में जाते थे। और कहां से शुरुआत की उन्होंने कि आप देखिए, पार्षद हुए, एमएलसी हुए, एमएलए हुए, लोकसभा के सांसद हुए, गवर्नर हुए, यूपी सरकार में मंत्री हुए, तो उन्होंने उनका बड़ा लंबा संघर्ष रहा। मैंने खुद उन्हें रिक्शा पर पार्टी ऑफिस जाते हुए कई बार देखा। मतलब उसमें कोई इस तरह का भाव नहीं था कि बहुत ज्यादा उनको किसी विलासिता और इस तरह की चीजों में रहना है। लालजी टंडन बीजेपी की पुरानी पीढ़ी के जो नेता थे, जो सादगी पसंद, सहज स्वभाव के, मिलनसार, उसके एक बहुत बड़े चेहरे थे। बिल्कुल पंकज, आपने जैसा बताया, बिल्कुल बड़े चेहरे थे उस सादगी के, जो जिसके लिए संघ और बीजेपी के पुराने नेता जाने जाते हैं।
एक आम पार्टी भी हुआ करती थी इस सीजन में, जब दशहरी खूब बाजार में आ जाता था, और उस आम पार्टी में मलियाबाद के आसपास के कई तरह के आम उनके यहाँ लोग खाने पहुंचते थे। पंकज जी, आप भी कई बार गए होंगे। बिल्कुल विकास, और वाकई में आप जो नहीं रहे इस बात को फील कर पा रहा हूँ। ये भी नहीं होता कि लालजीगंज में नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया, उन लोगों को अपने घर ले जाते थे, आम की बागीचे में ले जाते थे। विकास, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, माफ करें। पंकज आप धैर्य रखिए, हम समझ सकते हैं आपका एक लंबा अनुभव लखनऊ में, लखनऊ की राजनीति और लखनऊ कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश कवर करते हुए बीता है। लालजी टंडन एक ऐसे शख्स थे जिनकी सादगी, जिनकी जो जिनके साथ रिश्ते बना लेते थे, वो लंबे समय तक उनको कैरी करते बिल्कुल थे। और ये पंकज आपका भावुक होना इस बात की तस्दीक करता है कि एक नेता और पत्रकार के बीच का रिश्ता जो अब खत्म हो गया है, लगभग आप किसी भी पार्टी के बड़े नेता छोटे नेता की बात कर लीजिए, ये रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन ये रिश्ता कायम रखते थे लालजी टंडन जैसे नेता। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कुछ हो जाए, आपको लगता था कि उनको नहीं पता होगा, और अगले पल उनका फोन आता था, वो आपके घर चले आते थे, आपका हाथ पकड़ते थे। विकास ने जिस आम पार्टी की चर्चा की, जो अब तो सारी पार्टी के दफ्तरों में ये होने लगा है, इसकी शुरुआत भी लालजी टंडन ने ही की थी। बिल्कुल पंकज, आपसे हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, उनका भी ट्वीट इस पूरे मसले पर आया है, और आपको हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि पिछले एक महीने से बीमार चल रहे थे लालजी टंडन। स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा है, लालजी टंडन के निधन से काफी दुख हुआ, बाबूजी की विचारधारा से कई युवाओं को रास्ता मिला। स्मृति ईरानी का ट्वीट, इससे पहले ये दुखद खबर उनके, ये देखिए स्मृति ईरानी ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है, गोपाल भैया यानी कि उनके बेटे आशुतोष टंडन और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ओम शांति। तो गोपाल भैया जो कि आशुतोष टंडन हैं, यूपी में मंत्री हैं, उनको प्यार से गोपाल भैया कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में, नाम उनका वैसे आशुतोष टंडन है लेकिन उनको प्यार से गोपाल भैया कहा जाता है। तो स्मृति ईरानी ने कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि दी है लालजी टंडन को, और लालजी टंडन के जाते जाते बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का पूरा एक दौर उनके जाते जाते समाप्त हो गया, क्योंकि वाजपेयी के वक्त के नेता माने जाते थे लालजी टंडन।